अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अलमुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम। दिस इज़ योर इंग्लिश लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर 5, स्टोरीज दैट टीच अ लेसन। दिस इज़ पेज नंबर 28 ऑफ योर बुक। स्टोरीज दैट टीच अ लेसन। Nasir and Haris are looking at books in the library. Nasir और Haris library में अपनी किताबें देख रहे थे। Haris, look here is a book about fables. Fables means story. कि ये देखें, यहाँ पर एक story की book है। Nasir, yes, fables are stories that teach us a lesson. Fable वो कहानियाँ होती हैं जो कि हमें एक कोई ना कोई सबक पहुँचाती हैं, सबक देती हैं। Haris, fables have only animal characters और इसके अंदर सिर्फ animals character होते हैं। Nasir, let's read this fable about the lion and the bull के पहले हम lion और bull के बारे में एक fable पढ़ते हैं। This is a story about a big lion which walks around a field where three bulls graze together। कि क्या हुआ कि ये एक स्टोरी है एक बिग लॉयन बड़े शेर के बारे में। हु वॉक्स अराउंड अ फील्ड जो कि फील्ड के अराउंड जो खेत के इर्द गिर्द वॉक करता है। वेयर थ्री बुल्स ग्रेस टुगेदर जहाँ पे तीन बुल्स जो होते हैं मेल काओ तीन बुल्स जो होते हैं वो इकट्ठे होकर फीड करते हैं। ग्रेस मीन फीड करना चरना खाना खाना। द लॉयन ट्राइज वेरी हार्ड टू कॉल वन ऑफ द बुल ऑन द अदर साइड ऑफ द फील्ड और लाइन ये पूरी कोशिश करता है कि वो उनमें से किसी एक बुल को खेत के फील्ड के दूसरी तरफ बुलाए। बट ही इज़ नॉट सक्सेसफुल लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता है। वेन ही ट्राइज टू अटैक दैम जब वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। दे मेक अ सर्कल तो वो सर्कल बना लेते हैं दायरा सो दैट ही इज़ ऑलवेज मेट बाई देयर हॉर्न्स ताकि वो अपने हॉर्न से मिलकर लड़ सके। आफ्टर दैट फिर क्या होता है। Nasir, what do you think will happen next? आगे क्या सोचते हो क्या हुआ होगा। Haris, I don't know. Let's read on. मैं नहीं जानता ऐसा करते हैं हम पढ़ते हैं। Then the lion thinks of a plan. फिर lion ने एक मनसूबा बनाया। He starts spreading stories of one bull against the other. फिर उसने क्या किया उसने स्टोरीज को कहानियाँ फैलाना शुरू कर दी एक दूसरे के उनके एक दूसरे के खिलाफ। द थ्री बुल बिलीव द स्टोरीज और वो जो तीनों मेल काउ थे उन्होंने उसकी फैलाई हुई कहानी पर यकीन कर लिया। एंड स्टॉप बींग फ्रेंड्स और अपनी दोस्ती को ख़त्म कर दिया। दे बिगेन टू ग्रेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड फिर वो फील्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर फीड करने लग गए थे। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द लॉयन वांट्स और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि शेर चाहता था। वन डे वन ही अटैक्स द बुल एंड ईट्स ऑल थ्री ऑफ देम फिर क्या किया एक एक करके उसने हमला किया और वो तीनों बुल्स को खा गया। Haris, आई लाइक दिस स्टोरी। Yes, it teaches us that we should stay united, otherwise we will defeated. तो देखें कितना अच्छा moral lesson हमें मिला कि हमें जो है वो united रहना चाहिए otherwise we will be destroyed. नहीं तो क्या होगा हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा moral lesson था कि हमें join होकर रहना चाहिए। Now there is the next fable also that also teach us a good lesson. And the title is The Ant and the Grasshopper. This is a story about a tiny ant who is very hardworking. ये एक छोटी सी चींटी के बारे में कहानी है जो कि बहुत मेहनती थी। She spent her time in gathering leaves to make a small home in a hole. और वो अपना ज़्यादातर टाइम जो थी वो पत्ते इकट्ठे करने में लगाती थी। एंड मेक अ स्मॉल होम इन अ होल इन अ ट्री ट्री के अंदर होल में उसने अपना घर बना लिया था। शी इज़ ऑल्सो कलेक्टिंग फूड
फॉर द विंटर, वो विंटर के लिए अपना खाना इकट्ठा कर रही है. एंड लिटल पीस ऑफ क्लोथ एंड पेपर टू कवर हर सेल्फ, इसके अलावा कपड़े के और पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े ताकि वो अपने आप को वॉर्म रख सके और अपने आप को कवर कर सके. शी मीट्स अ ग्रास होपर हु इज लेइंग अंडर अ ट्री सिंगिंग सॉन्ग एंड प्लेइंग अ गिटार. फिर वो एक ग्रास होपर, एक क्रिकेट, एक झिंगर से मिलती है और कहती है जो कि दरख्त के नीचे बैठा गाने गा रहा है और गिटार बजा रहा है. वेयर आर यू इन सच अ हरी, आज द ग्रास होपर. ग्रास होपर ने पूछा तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, कहाँ जा रही हो. इट इज़ अ लवली समर डे, ये तो बहुत अच्छा गर्मियों का दिन है. सिट डाउन एंड इन्जॉय हर सेल्फ, ये यहाँ बैठो और इन्जॉय करो. आई डोंट हैव टाइम सेज द एंट. एंट ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है. आई हैव टू टेक दीज बीन्स होम टू स्टोर देम फॉर विंटर, के मैंने इन बीन्स को, इन ग्रेन्स को अपने घर तक लेके जाना है ताकि मैं सर्दी आने के लिए जो है इसको स्टोर कर सकूँ. विंटर इज़ वेरी फार अवे, सेज द ग्रास होपर. ग्रास होपर ने कहा विंटर अभी बहुत दूर है. आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन अ लीव नियर द पॉन्ड. आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं तो सोने जा रहा हूँ ऑन अ लीफ नियर द पाउंड, जो कि लीफ के ऊपर जो कि पाउंड के करीब है. टाइम पासेस एंड विंटर कम्स, वक्त गुजर जाता है और सर्दी आ जाती हैं. देयर आर नो लीव्स ऑन द ट्रीज, दरख्तों के ऊपर कोई पत्ता नहीं था. द विंड इज कोल्ड, ठंडी हवा थी. एंड स्नो फॉल्स, और बर्फबारी हो रही थी. द ग्रास होपर इज विदाउट अ होम, और वो जो ग्रास होपर था उसके पास घर नहीं था. ही इज़ वेरी हंगरी, वो बहुत भूखा है. एंड शिवर्स विद कोल्ड, और सर्दी से कांपता है. फीलिंग सैड ही नॉक्स ऑन द डोर, फिर आखिर अफसोस महसूस करते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाता है. इट ओपन्स एंड द आंट कम्स आउट एंड इनवाइट्स हिम इनसाइड, आखिरकार चिंटी जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है और उसको अंदर आने के लिए कहती है. शी इज़ कम्फर्टेबल एंड कोजी इन हर वार्म हाउस, और वो बहुत ही पुरसकून है अपने घर में. शी हैज़ प्लेंटी ऑफ फूड एंड लीव्स फॉर बेड, और उसके पास बहुत ज़्यादा खाना है और पत्ते हैं. द ग्रास होपर इज़ वेरी सॉरी, ही प्रोमिसज दैट ही विल वर्क हार्ड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट विंटर सीजन, और ग्रास होपर को बहुत अफसोस होता है और वो वादा करता है कि नेक्स्ट विंटर के लिए वो मेहनत करेगा और मुकम्मल अपनी तैयारी करेगा. फिर नासिर क्या कहता है, दिस इज़ ऑल्सो गुड स्टोरी. हारिस, येस वी शुड ऑल्सो लर्न नॉट टू वेस्ट टाइम, और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, वी शुड नॉट वेस्ट आर टाइम. द टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट. So in the exercise, here is the concept of adjective, a word that describes a noun, tells how it looks, smells, sounds, feels or tastes. So these are called the adjectives. Here are the example, like house hai, blue hai, cozy hai, brown hai, sturdy hai. Here is the cute, brown, spotty, furry, friendly and energetic animal. So this is a blue backpack. This is strong, heavy, useful, helpful, all are the adjectives. So here are the 7 points. Short story structure is, क्या होते हैं, सबसे पहले character होता है, then is in a situation with a problem, they try to solve the problem but fail making it worse, they make a final attempt which may succeed or fall, the consequence is not as expected. So this is the some points about the stories. Now we will do the exercise of it, writing time. Page number, firstly we do the page number 29. Here match the column A with the correct column B. Field, an area of land. Grass, to eat grass. Bull, a male cow. Exactly same in everywhere. Attack, to try to hurt someone. Exercise B, write the true and false. A big wolf walks around a field. False. Three bulls graze together. True. The third statement is, the bulls make a circle. True. The bulls stop being friends. True. The lion eats one bull. False. Now
exercise A on page number 32 of your book writing time. Here are the two columns about the ant and the grasshopper, and we are write down the adjective related to the ant and the grasshopper. So ant is tiny, hardworking, comfortable, busy and kind, and grasshopper is lazy, hungry and sleepy. Now B is the match the first part of the column to part B. The lion cannot kill the bulls because they make a circle. The bulls are no longer friends because the lion has spread stories. Number 3, the lion eats the bull because they are not united. Number 4, the ant is not hungry because she has collected food. And the last one is the grasshopper is cold because he does not have a home. So this is the exercise. Now exercise E is write each word in alphabetically order. So A mein aap likhenge enjoy, whole, leaves, tiny, winter. And B mein sleep, small, song, store, summer. So this is the book work starting from here till here. Now this is the copy work written on it is you are supposed to do it on the copy. So here are some words meaning like fable, a short moral story, grace, feet, field, area, against, opposed, united, joint, shiver, shake. Now make sentences with the help of teacher. Tries, he tries but failed. Attack, the lion attacked on the bull. Read, I like to read novels. Believe, Muslims believe on Allah. Eats, horse eats grass. Horse eats grass. So here are the question answers also. What does stories teach us? Stories teach us a lesson. What is the story The Lion and the Bull about? The story teaches us that we should stay united. Here is the teacher. Ye teacher nahi hai, teaches hai. Aur this is teaches hai aur isme se aapne s ko omit kar dena hai kyunki yahan zat plural hai. Plural ke sath hum s ki adding nahi karte. How does ant spend her time? Ant spend her time in gathering leaves to make a small home in a tree. Fourth question is, what was grasshopper doing? Grasshopper was laying under a tree singing songs and playing a guitar. Number 5, what promise did the grasshopper make? He promised that he will work hard for the next winter season. So the chapter has been completed. You will do the copy work, words meaning, word sentences and question answers. These three parts will be done on the copy. So do your work neat and clean. We learned about the unit number 5. Now ab aapne ye karna hai, note the copy work on your journals neat and clean and make sure the learning. So wish you good luck. Allah Hafiz.